इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम का आधार संकलन है। विश्वसनीयता के लिए संदर्भ ग्रंथ का संपर्क करें। नमस्कार, आइए, स्वागत है आपका लोकप्रिय कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में। आए देखें, सुने, सोचे, समझे और मनन करें क्या कुछ हुआ आज के दिन इतिहास के पन्नों में। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। 15 अप्रैल सन 1452 में लियोनार्डो दा विंची, इनका जन्म हुआ। इन्होंने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था। सन 1459 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। सन 1755 में सैमुअल जॉन डिक्शनरी, इसका प्रकाशन हुआ। सन 1784 में आयरलैंड ने सर्वप्रथम बलून उड़ाया। सन 1817 में अमेरिका में सर्वप्रथम मूक बधिर स्कूल खोला गया। सन 1862 में गुजरात के प्रख्यात प्रभाशंकर पट्टनी, इनका जन्म हुआ। सन 1895 में लोकमान्य तिलक ने रायगढ़ किले में शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू किया। सन 1905 में अमरावती के डिप्टी कमिश्नर का पदभार एमबी क्लेम ने संभाला। सन 1923 में न्यूयॉर्क में सर्वप्रथम बोलती फिल्म का प्रदर्शन किया गया। सन 1923 में इंसुलिन बाजार में उपलब्ध हुआ। सन 1943 में देशभक्त राघवेंद्र की अमरावती की कारागृह से मुक्ति हुई। सन 1949 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई। सन 1950 में संत विनोबा द्वारा भूदान यज्ञ का प्रारंभ हुआ। सन 1955 में अमेरिका ने नेवाड़ा में परमाणु बम का परीक्षण किया। सन 1972 में अभिनेत्री मंदिरा बेदी, इनका जन्म हुआ। सन 1975 में सिक्किम का भारत में विलीनीकरण का प्रस्ताव रखा गया। सन 1845 में हैदराबाद के निजाम का वराड़ का अधिकारी चंदूलाल, इनका निधन हुआ। सन 1948 में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने सविता कबीर से विवाह रचाया। सन 1932 में कवि सुरेश भट्ट, इनका जन्म हुआ। सन 1940 में आनंद बाजार पत्रिका ने बच्चों का कॉलम शुरू किया। सन 1922 में गीतकार हसरत जयपुरी, इनका जन्म हुआ।